करते हैं। अभी तो कर दे दो। वाह क्या चक्कर किया, बोला ठाकुर, बोला ठाकुर को भोग लगा दो ठाकुर। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण निताई गौर प्रेमानंद। दे दो ठाकुर को, दे दो बोल दो। ओ मैं ज्ञान, ये माइक क्या है, ये इसका आवाज थोड़ा ये तेज कर दो उधर। हरि बोल हरे कृष्णा, हरि बोल हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरि बोल। यहाँ पर हरे कृष्णा, हरि बोल हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पदुर्लभस्य कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीतीर्थाय प्रियाय केशवस्य च, कृष्णभक्ति प्रतिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृन्दाय तुलसीतीर्थाय प्रियाय केशवस्य च, कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री 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 मद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला वरविष्णु विष्णु पादोदर शत श्री 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 श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवों के यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कहते उचित जगत का जो काल है वो सर्वदा वर्तमान, समझ गए कि नहीं। जैसे इसी जगत में हम कहते हैं भैया ये काम पहले हो चुका था, अभी ये काम हो रहा है, बाद में ये काम होगा। जैसे भविष्य अतीत वर्तमान और भविष्य, इसी जगत में तीन समय हैं, पहले हो चुका था, अभी हो रहा है, बाद में होने वाला। लेकिन कहते भगवान का धाम में कोई चीज़ अतीत नहीं, मतलब जो चला गया वो भी है नहीं, कोई चीज़ भविष्य में होगा वहाँ पर भी ये भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक ही समय है नित्य वर्तमान, हर चीज़ अभी हो रही है, कोई पुरानी चीज़ वहाँ पर है ही नहीं, वह होने वाली चीज़ नहीं, जो कुछ हो रहा है अब भी हो रही है, मतलब नित्य वर्तमान सब चीज़ें हैं। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कहते हैं कहते इसी जगत में आबद्ध होने के बाद जीव की सृष्टि गठन पतन ये धर्म माया की काल के अंतर्गत जीव आरोपित तो हुए हैं। जीव अनुपदार्थ होने पर भी चिन्मय और सनातन है। हम श्रवण कर रहे थे जो जीव ये अणु होने पर भी ये चेतन और ये सनातन है, और जीव का जो सृष्टि है, जीव का जो सृष्टि ये कब से ये सृष्टि हुआ और कब तक चलेगा किसको पता नहीं, लेकिन यहाँ पर कर जीव का जो सृष्टि गठन पतन ये धर्म माया की काल के अंतर्गत जीव में आरोपित तो हुआ है, ये माया के समय के ऊपर आरोपित तो हुआ,
अनादिकाल से जीव बहिर्मुख होकर के आया है, जिसका कोई आदि अंत नहीं। लेकिन इसलिए क्या बताया गया, बताया गया जो कृष्ण बोले सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया कार्य दिए संसार आदि जीव। कहते ये संसार का दुख कष्ट हम भोग क्यों कर रहे हैं, कारण ही हम अनादिकाल से भगवान से बिछड़े हुए। कभी ये अनादि शब्द क्यों किया, बोले पता नहीं कब से हुए, लेकिन यद्यपि एक निर्दिष्ट समय से ही भगवान से विमुख हुआ। इसलिए कल हम लोग ये श्रवण कर रहे थे, कभी श्री बाबा जी महाराज तो ये बात को कह रहे हैं, लेकिन देखो कहते तुम जितने ये जड़ भाव को तुम शिथिलता करोगे उतना तुम ये चिन्मय तत्व को भक्ति तत्व को तुम उतना ही समझ सकते हो। ये जो हमारा जो जड़ बुद्धि है, ये जड़ बुद्धि सीमित तो होने के नाते कहते ये जड़ बुद्धि को द्वारा भगवान को हम नहीं समझ सकते। कहते ना ईश्वर रे कृपा ले सहाय तो जा रे से ही जाने जा रे देव जाना है, उनको तो वही समझ सकते हैं भगवान कृपा करके जिसको जानाते हैं, वही व्यक्ति वो चीज़ को समझ सकता है। इसलिए यहाँ पर बताए कि तो जड़ जात युक्ति और तर्क को द्वारा ये सब बात आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर कोई सोचेगा हम क्या कम लिखे पढ़े हैं, हम बहुत लिखे पढ़े हैं, हैं हमने PhD किया है, डिलीट किया है, हमने अमुक ये किया, इतने आचार्य किया, इतने उपाधि है। कहते वहाँ पर इस बुद्धि भगवान की भक्ति में कोई काम नहीं करता। कहते एक मूर्ख से मूर्ख क्यों नहीं हो, सरल से सरल व्यक्ति समझ सकता है प्रभु को, और एक विद्वान से भी एक विद्वान व्यक्ति ये चीज़ को नहीं समझ सकता। भगवान कृपा करके जिसको जनाते हैं कहते वही वो चीज़ को समझ सकता है। इसलिए उपनिषद में बताया तर्कम अप्रतिष्ठाना, मतलब इसी जगत का जो तर्क और वितर्क है, हैं कहते भैया ये तर्क को द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए बोले न अयम आत्मा प्रवचन न लब्ध, जो आत्म तत्व प्रवचन को द्वारा भी नहीं समझ सकते हैं, न बुद्धि हैं न बहुना श्रुते न बहुत सुनने पर भी नहीं समझ सकते हैं। बोले कौन समझ सकता है, भगवान कृपा करके जिसको जानते हैं, हैं इसलिए अपना स्वरूप जिसको पास में प्रकाशित करते हैं वही व्यक्ति ही ये तत्व को समझ सकता है। इसलिए ये नहीं जड़ बंधन से अनुभव शक्ति को जितना ढीला कर सकोगे उतना ही जड़ातीत चीत जगत का अनुभव उदित होगा। क्या कह रहे हैं, बोले जो माया की बंधन में हम जो बंधे हुए हैं जड़ बंधन है, कभी ये अनुभव शक्ति को जितना ढीला कर दोगे, मतलब हे प्रभु हम ये बुद्धि को द्वारा तुमको समझ नहीं सकते, इसलिए आप कृपा करके हमें आपका भक्ति को जैसे समझ पाए आप कृपा करके हमें समझाओ। आप और हमारी बात छोड़ दो, ब्रह्मा स्वयं कहते कहते जानो तू एव जानो तू, भैया मेरे तो चार सर है और इस जगत को सृष्टि करने वाले, अगर कोई कहता है हम भगवान को समझ गए उसको समझने दो, लेकिन मैं चतुर्मुख ब्रह्मा कहता हूँ कि धूलि को कोई गिन सकता है, बारिश का बूंद को कोई गिन सकता है, लेकिन प्रभु की महिमा को कोई गिन नहीं सकता, उनकी महिमा को कोई था नहीं पा सकता। अगर ब्रह्मा ऐसे बात करते हैं शंकर भी नहीं समझ पाते, उनको कोई नहीं समझ पाते हैं, साक्षात बलदेव प्रभु जिनको समझ नहीं पाए हैं। जब ब्रह्मा जी ने बछड़े सखाओं को चोरी किया, जब एक दिन बलदेव प्रभु एक साल हो गया उनको पता ही नहीं, एक दिन देखा नियम होता है गैया जब नए बछड़े जन्म देते हैं पुराने बछड़े को प्रति ममता खत्म हो जाती है, वो नए बछड़े को प्रेम करने लग जाते हैं, ये स्वभाव है। लेकिन उन्होंने देखा ये जितने गैया ये नए बच्चों को ही प्रेम नहीं कर रही, जो पुराने बच्चे थे ना उनको ऐसे चाट रहे थे जिसे खा जाएंगे। बलदेव प्रभु बोले ये क्या हो रहा है, ये सब नए बछड़े को छोड़ करके ये पुराने बछड़े को क्यों प्रेम करते हैं। फिर क्या देखा, जितने हैं कि जितने पहाड़ के ऊपर में क्या हो रहा था, गोप लोग गैया चरा रहे थे,
नीचे जो थे हैं कहते बच्चे लोग जो बछड़ों को एक साल पहले जो बछड़े बड़े हो गए, एक साल का बछड़े बड़े हो गए, उनको बच्चे लोग चरा रहे थे। इतने में जो नए बछड़े थे गैया के पास में, उन्होंने तो छोड़ दिया और छोड़ करके उन्होंने पूरे बछड़े के प्रति भागे, पूछ उठा करके। गोपर ने बहुत कोशिश किया उनको रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं सके। उनको इतना क्रोध हुआ और वो आते ही क्या हुआ, जितने बछड़े दूध पी लिया, तो दूध भी दूध खत्म हो गया। गोपा को तो बड़ा क्रोध हुआ, बोला अभी जा करके ना बच्चों को अच्छे तरह से धुलाई करेंगे, पिटाई करेंगे, हैं यहाँ पर क्यों बछड़ों को लेकर के आ गए, सारे दूध पी गए। लेकिन बलदेव प्रभु देखा, आश्चर्य बात देखा, जब वो गोप लोग ये बच्चों के पास में आए ना, ये बच्चों को मारेंगे क्या, इनको गोद में भर करके इतने प्यार कर रहे थे, गोद से छोड़ नहीं रहे थे। ये क्या हो रहा है, मारने के लिए आई, भूल गई मारना, क्यों, ये जितने इस सब के सब बछड़े और सखा कौन थे, ये कृष्ण थे। ये जगत का क्या प्रेम है, जगत का नियम होता है, आप देखना जगत का नियम होता है, अपना बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, नियम है अपना बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रेम अपना बच्चों को करते हैं। लेकिन उसी जगत में, बोले नहीं, उसी जगत में नियम है अपना बच्चे से ज़्यादा प्रेम कृष्ण को करते हैं। क्योंकि हम बच्चे को क्यों प्रेम कर रहे हैं, चूँकि उसके हृदय में कौन बैठे हुए, ये परमात्मा बैठे हुए, तभी तो प्रेम कर रहे हैं बच्चों को। अगर वही बच्चे का हृदय से परमात्मा निकल कर चली जाए, फिर प्रेम करेंगे, मरे शरीर को कोई प्रेम करेगा, बोले जितना जल्दी हो निकालो घर से, उसको निकालो उसको घर से, हैं, जिस शरीर को स्नान करके छूते थे उस शरीर को छू करके स्नान करना पड़ता है। इसलिए तत्व तो हम किसको प्रेम कर रहे हैं, शरीर को ना, परमात्मा को, परमात्मा शरीर को नहीं, परमात्मा को प्रेम करते हैं, क्यों, वो चले जाने पर शरीर को प्रेम नहीं करते हैं, हैं? इसलिए कहते जो परमात्मा है ये कौन है, बोले ये खिरद साई विष्णु, ये खिरद साई विष्णु परमात्मा है। लेकिन उसका जो मूल अंशी है कौन है, कृष्ण, उसका मूल जो है कौन है, वो कृष्ण है। इसलिए यहाँ पर जो बलदेव प्रभु सब चीज़ को देखा, सो उल्टा पुल्टा चीज को, बलदेव प्रभु बोले भैया ये क्या मैं देख रहा हूँ, मेरे समझ में क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि बलदेव प्रभु कृष्ण अविर नहीं हैं। बोले ये क्या कृष्ण का महामाया, बोले नहीं कृष्ण का महामाया मेरे को मोहित नहीं कर सकता, कि बलदेव प्रभु भगवत है ना, भगवान है ना, मोहित नहीं कर सकते। फिर देखा ये क्या जोग माया, बोले नहीं ये जोग माया भी मेरे को मोहित नहीं कर सकती है। कि बोले माया किसकी माया, लगता है कि केवल कान्हा की माया होगी, ये कृष्ण की माया होगा। इतने में बलदेव प्रभु कृष्ण के तरफ में देखा, बोले कन्हैया ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, ये सब क्या हो रहे हैं। बोले भैया पापड़ बेलते बेलते एक साल हो गया, पापड़ बेलते बेलते एक साल हो गया, हैं, कभी जितने बछड़े सखा देख रहे हो ना, ये कोई नहीं मैं ही बना हुआ हूँ। बोले कन्हैया इतने गोपियों अपना मैया का दूध पी करके और इतने गोपियों के घर से तुमने दूध पी करके पेट भरा नहीं, फिर यहाँ पर बछड़े बनकर सबका दूध पी रहे हो, फिर बछड़े बनकर के जितने मातृस्थानीय गोपियों का दूध पी रहे हो, इतने तुम दूध को पी पी कर तेरा पेट नहीं भरा हैं। तब बलदेव प्रभु बोले मैं और नहीं आऊँगा गोचारण करने के लिए, अभी मैं नहीं आऊँगा। बोले क्यों, एक तो जन्मतिथि आ गया था, जैसे जन्मतिथि आ गया था, इसलिए जब जन्मतिथि आता है ब्रज में उसको अच्छे उसी दिन क्या कराते हैं, ब्राह्मण से गैया दान करवाते हैं, उनका हाथों से स्वस्ति वाचन करवाते हैं और उसी दिन उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाते हैं, उसके जन्मोत्सव मनाते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं, भंडारा होता है, हैं। इसलिए उन्होंने देखा बलदेव प्रभु जब मेरे असली सखा और हमारे असली बछड़ा है ही नहीं, फिर तो मैं क्यों आऊँ, इसलिए उन्होंने नहीं आए। उसके बाद में उन्होंने 4-5-6 दिन तक उन्होंने नहीं आए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले देखो कहते जड़ बंधन से ये अनुभव शक्ति को जितना तुम ढीला कर सकते हो, हैं, कहते जड़ बंधन जितना ढीला कर सकते हो उतना ही जड़ातीत चीत जगत का अनुभव उदित होगा, हैं, तभी वो भगवत तत्व को चीत जगत का अनुभव को तभी अनुभव कर सकते, ये जड़ बुद्धि को द्वारा तुम नहीं कर सकते। पहले अपने
शुद्ध स्वरूप के अनुभव का और शुद्ध चिन्मय कृष्ण नाम का अनुशीलन करने पर जैव धर्म प्रबल रूप में उदित होगा। क्या कहते हैं? कहते पहले अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव का और शुद्ध चिन्मय कृष्ण नाम का अनुशीलन करने पर। अभी ये चीज को समझने के लिए अभी हम कैसे समझ सकते हैं प्रभु का भक्ति को, प्रेम को, ये जीव को कैसे समझ सकते हैं? कहते कृष्ण नाम का अनुशीलन करने पर, कहते ये जैव धर्म जीव का जो धर्म ये प्रबल रूप में उदय होगा है। इसलिए प्रबल रूप में, इसलिए क्या अष्टांग योग या ब्रह्म ज्ञान के द्वारा चीद अनुभव विशुद्ध नहीं होगा। कोई अगर सोचे अष्टांग योग के द्वारा वा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हम वो भगवान को चीद अनुभव को हैं उसको समझ ले, बोले भैया नहीं समझ सकते हो। साक्षात कृष्ण का अनुशीलन ही नित्य सिद्ध धर्म का उदय करने में समर्थ है। इसलिए जितना हम कृष्णानुशीलन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, उनके नाम जप करेंगे, उतना तुम भक्ति जगत में अंदर अंदर में तुम प्रवेश कर सकते हो। आप निरंतर उत्साह के साथ में हरि नाम कीर्तन करो। इसलिए कहते हैं उसको समझने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है, बोले हर समय हरि नाम करो, हर समय हरि नाम करो, मुंह हर समय बंद मत कर रखा करो, हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते देखो जब ये अनुशीलन को करोगे, चिदानुशीलन करोगे, कुछ दिन में क्या होगा, ये हरि नाम को करते 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 धीरे धीरे हरि नाम का प्रति अनुराग होगा। क्या होगा वो अनुराग होगा, जैसे रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, जैसे मिश्री तो मीठा होता है लेकिन किसी किसी को मिश्री कड़वा लगता है। मिश्री किसको कड़वा लगता है, जिसको जंडिस का बीमारी हो गया, पीलिया रोग हो गई उसको ही ये क्या लगता है, उसको ये कड़वा लगता है। लेकिन क्या कहते डॉक्टर, देखो कड़वा तो लगेगा लेकिन हरिनाम भी करो, हरिनाम करो, कितना हरिनाम करो, 1,00,000। महाप्रभु तो कहते 1,00,000 हरिनाम करो कम से कम, अगर नहीं होता है, क्योंकि महाप्रभु कहते जो 1,00,000 हरिनाम करते हैं वो लखपति है, और उसका दिया हुआ हाथ का चीज मैं खाता हूँ हैं, उसका चीज मैं खाता हूँ। इसलिए कहते भैया स्वामी महाराज उन्होंने कुछ उन्होंने कंसेशन दिया, तो देखो अगर कम से कम अगर एक दिन में लखपति नहीं बन सकते, 4 दिन में तो एक बार बन जाओ, भले 16 माला तो कम से कम करो, 16 माला से नीचे नहीं उतरनी चाहिए, ठीक है ना। जितना ज़्यादा हो सके करो हैं, 32 करो, 64 माला करो, लेकिन कम से कम कितना माला करो, कितना माला करनी चाहिए, 16, कितना करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए, केवल बोलने से नहीं होगा। इसलिए हरिनाम ही जीवन का प्राण बना देनी चाहिए, इसलिए माला कभी हमसे हाथ से ना माला नहीं छूटनी चाहिए। जैसे हम किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम जा रहे हैं क्या करो, माला को साथ में लेकर के जाओ, चलते चलते जा रहे हो कपड़े को अंदर में छुपा करके उसको हरिनाम करते करते कपड़े को अंदर में छुपा करके उसको हरिनाम करते 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 हरिनाम जाओ हैं। इसलिए कहीं अगर कोई विशेष काम नहीं करते हरिनाम करते रहो, ऐसे नहीं किससे बात कर रहे हैं, किससे फ़ोन कर रहे हैं, घंटे घंटे कुछ में दे नहीं, हम साधक हैं जो साधन करते हैं, हमको बिना कारण से एक कोशिश करनी चाहिए हैं। कोई ज़रूरत नहीं हो तो हैं, कहते आन कथा ना कहिवे, आन कथा ना सुनिवे, जल्दी मिली वे आने, अच्छा माला कर रहे गुरुदेव हरिनाम कथा समय हरिनाम नहीं करनी चाहिए। इसलिए नियम है, तुमसे जब कोई छोटे ये कर रहे हैं, जूनियर कहता है माला तुम कर सकते, लेकिन जो हमसे सीनियर कोई व्यक्ति कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं हरिकथा सुनना ही माला, लेकिन दूसरे समय करो करना, सारा दिन इधर उधर करेंगे जो गुरुदेव पाठ करके तो माला लेकर बैठ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं देखो सुना भक्तिमन ठाकुर क्या कहते हैं, ये चीज़ को अच्छे तरह से बोले आन कथा ना कहिवे, मतलब कृष्ण कथा छोड़ करके कोई भी बात हम नहीं करेंगे। अगर कोई बात करेंगे, अगर वो बात कृष्ण के साथ में जुड़ा हुआ हो तभी ये बात को करो, नहीं बिना कारण से फोन ले करके दुनिया की सारे बात को उल्टा पुल्टा बात को दिन भर कर रहे हो, नहीं ये वाणी की अपमान है,
ये वाणी का अपमान है। इसलिए क्या बताए, बोले बिल्लोबत गुरुक्रम विक्रमान, जिस जिह्वा से कृष्ण कथा छोड़ करके दूसरे कथा कहते हो, कहते तो मेढक के जिह्वा है, जैसे मेढक टटर 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 करता है और सर्प आकर पकड़ खा जाता है। अगर कृष्ण कथा छोड़ करके कृष्ण भक्ति संबंधित बात बोलेंगे तो ये कौन जिह्वा हो गया, मेढक के जिह्वा है, हैं ये टटर 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 कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति संबंधित, भक्तिमय ठाकुर यही कहते हैं, कृष्ण संबंधित छोड़ करके कोई भी बात हमें नहीं करनी चाहिए, तभी वो बात करनी चाहिए। क्या अगर कृष्ण संबंधित बात है, हमारे भक्ति प्रज्ञान कैसे हो समझ में आ रहा है, वो तो कभी कभी दुनिया के लोग होते हैं ना, हमारे घर में ये हो गया, हमारी ये घर में अशांति, घर में ये नहीं हो रहा है, वो आकर जब बोलते रहते ना, वो आँख बंद कर लेते थे, आँख बंद कर करते थे, क्या हरिनाम करते थे, बस ऐसे पता लगता था जैसे उनकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन उनका एक बात भी नहीं सुनते, क्योंकि जानते ही बेकार बात कर रहा है, ये बेकार बात से अपना अपना भी बर्बाद, समय मेरा भी समय बर्बाद है, वो आँख बंद कर देते थे, हैं बात हरिनाम करते थे, उनको लगता था जैसे सुन रहे हैं, लेकिन गुरुदेव कुछ भी नहीं सुनते। इसलिए कहते अन्य कथा ना बोली वे, मतलब कृष्ण संबंधी बात को छोड़कर कोई भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए नहीं, हम वही बात करेंगे अगर ये बात के साथ में कृष्ण का कोई संबंध अगर हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं वो बात करने का, क्यों बेकार बात करेंगे, अपना समय को खुद का तो समय बर्बाद कोई कर रहा है, वो तो हमारे समय को भी बर्बाद कर रहा है, हैं। इसलिए बोले अन्य कथा ना बोली वे, बोले अन्य कथा ना सुनी वे, दूसरी बात कृष्ण कथा छोड़कर दूसरी बात ही मत सुनो, नहीं तो कान नहीं तुम्हारी, वो बील है जिसमें काल रूप सर्प जिस बील में निवास करता है, वो कान नहीं है, वो कान क्या है, बील है जिसमें सर्प रहता है। यदि मिली वे आने, अगर और किसी दूसरे से मिलते हो, खबरदार कभी इधर उधर बात को मत करो, यार दोस्त की साथ में ऐसे नहीं, यार दोस्त है घंटे घंटे तक बात करे उस नहीं, इसलिए समय हमारी बर्बाद, और एक एक जो पल है ना, क्या तो टहनिया को पकड़ कर लटक रहा है ना, एक तरफ सफ़ेद चूहा एक तरफ में काला चूहा, क्या कर रहे हैं वो टहनिया को दोनों तरफ में काट रहे हैं, ये काले चूहा कौन है, रात, सफ़ेद चूहा कौन है, ये दिन, ये दोनों चूहे दोनों तरफ को काट रहे हैं और तुमको गिरा देंगे, तुमको गिरा देंगे, इसलिए कभी भी दूसरे बात को मत क्या करो। इसलिए पर यहाँ पर क्या कहते, क्या करनी चाहिए, कहते हर समय हैं आप निरंतर उत्साह को साथ में हरिनाम कीर्तन कीजिए, हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मतलब हरिनाम का अनुशीलन ही एकमात्र चिदानुशीलन है, जितने चिदानुशीलन में सर्वश्रेष्ठ ये हरिनाम कीर्तन। कुछ दिन हरिनाम करते करते उस नाम में अपूर्व अनुराग उदय होगा, अभी तो हरिनाम अच्छा नहीं लगता है, हैं हरिनाम कर तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन करते 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 क्या होगा, धीरे धीरे हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी, फिर कृष्ण नाम में हमारी अनुराग होगा, कद उसी अनुराग के साथ साथ चीज जगत का अनुभव भी उदित होगा, जब वो हरिनाम करेंगे धीरे धीरे चीज जगत का अनुभव भी हमारी उदित होने लग जाएगा। भक्ति के जितने प्रकार के अंग है उनमें हरिनाम अनुशीलन प्रधान और शीघ्र फल देने वाले, कहते हम भक्ति का जितने अंग पालन करते हैं जगत में, कहते सारे अंगों में ये हरिनाम ये सर्वश्रेष्ठ अंग है। अगर किसी चीज को थोड़ा जल्दी से जल्दी अगर हमें भगवत अनुभूति हो सकता है कैसे, हरिनाम के द्वारा, हरिनाम का। इसलिए सुमेरी पवन सुत पावन नाम, इसलिए महामंत्र जयी जपत महेशा है, इसलिए पार्वती क्या करती हैं, वो भी दिन भर हरि का नाम लेती है, दिन भर हरि का नाम लेती, पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, सब कैसे वो हरिनाम करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, कहते श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, कहते प्रथम ये महाप्रभु का उपदेश है, इसमें श्री कृष्णदास के उपादेय ग्रंथ में ये महाप्रभु का उपदेश, इसको याद कर लेना,
कहते भजन रे मध्य श्रेष्ठ बोलो भजन मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति उसके बाद में कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरापराध नाम ले ले पाए प्रेम धन। इसको सब याद कर देना, बहुत अच्छा भी याद है। कहते भजन रे मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति, जितने भक्ति अंग में 64 भक्ति अंग है उसको जब कम रूप में लिया, ये 9 तरह का भक्ति का अंग लिया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेतनव लक्षणा क्रियते भगवत अध्यातन मने भीतम। ये प्रहलाद महाराज को पिताजी को कहते हैं, उसको पिताजी ने जब पूछा बता बेटा गुरुकुल में गया था, बताओ कौन सा विद्या तुमको सबसे बढ़िया लगा, सबसे उत्तम विद्या बोलो। वो सोच रहा था शायद संढा और अमरक, इनको धर्म अर्थ काम कैसे पैसा कमाओ, कैसे कूटनीति राजनीति, कैसे दोनों राज्य में लड़ाई लगा कर बीच में अपना राज्य को हड़प लो, हैं कैसे पैसा कमाओ, कैसे शासन करो, शायद ये बोलेगा। तो उन्होंने सोचा मेरे गुरु तो ये संढा अमरक है, मेरे गुरु तो कौन है, नारद है, ये तो सांड और बंदर है, क्योंकि ये भक्ति का शिक्षा तो देते नहीं, ये सब सांड और बंदर है, हैं हमारे मेरे गुरुदेव तो नारद जी माँ की पेट में रहते समय उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई। ओ बोले यही से बोलो, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए सुन ले सकते हैं, जितना विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या है, बोले जगत में सर्वश्रेष्ठ विद्या है पहले गुरु वैष्णव भगवान के चरण में पहले अपने आप को समर्पित पहले कर दो। समर्पित करते हुए क्या करो, कीर्तन करना तो केवल कृष्ण कीर्तन करो, बोलना तो इधर उधर बात मत क्या करो, केवल कृष्ण नाम ही बोलो, सुनना तो कृष्ण कथा सुनो, स्मरण करना तो कृष्ण को ही स्मरण करो, पूजा करना तो कृष्ण को, वंदना करना तो उसको, हैं इसलिए पाद सेवा उनकी सख्य आप किसके लिए करो, केवल भगवान के लिए करो और किसी का प्रति मत करो। कहते अगर इसमें कोई एक भक्ति भी कोई जीवन में निष्ठापूर्वक कर ले बात, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाएगा, इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति। लेकिन उसको जो सार रूप में फिर 5 भक्ति लिया है, हैं कौन सा भक्ति 5 है बोलो, बोलो कौन बोलेगा बोलो। इसलिए जब नव विद्या भक्ति उसको जो सार रूप में लिया, कहते हैं ये कृष्ण प्रेम उपज इहार अल्प संगे, कहते ये 5 तरह का भक्ति से भक्ति को अगर एक भक्ति को थोड़ी सी श्रद्धा पूर्वक अगर कोई कर लिया ना कृष्ण प्रेम मिल गया। श्रद्धा क्या है 5 तरह का भक्ति बोलो कौन कर सक, बोलो क्या क्या तुम लोग को ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए बोलो क्या क्या। कहते एक है क्या बोल रहे, बोलो बोलो धीरे धीरे क्या बोल रहे, कितना बोला देखो हरे कृष्ण। इसलिए देखो तुम लोग कोई नहीं बोल पाए, उन्होंने बोल दिया, रोज कथा सुन कथा सुनने का ही फल, तुम लोग सुन दो लेकिन ध्यान इधर कथा सुन लो उधर पढ़ रहे हो, दिन भर तो पढ़ा ही नहीं और इसी समय लेकर पढ़ लिया, इसलिए ये भी नहीं होता है वो भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, इसलिए इधर उधर छोड़ कर ग्रंथ को पढ़ो, हम बताए ना इसको पढ़ लोगे तो सारे वेद पढ़ना हो जाएगा तुम्हारी, ये गौड़ी और विष्णु का ये वेद है ग्रंथ नहीं, वेद है, इसलिए इसलिए ग्रंथ को जैसे भी पढ़ाई हो रही है ना, जैसे पूछ रहे हैं प्रश्न कर रहे हैं कुछ पढ़ रहे हो, अगर घर में जाओगे तो जितना दिन रहोगे ये छूट गया, इसका मतलब हमारी इसमें प्रीति नहीं, प्रीति कहाँ पर है, घर द्वार में संसार में दुनिया घर में प्रीति, भगवान की भक्ति में हमारी प्रीति है नहीं, तभी ये कथा छोड़ करके कहाँ विषय कथा बोलने जा रहे, वहाँ तो थोड़ी हरी कथा होगी संसार की, सारा दुनिया की विषय वार्ता है, विषय काल व्यालम पग्रास, ये काल रूपी सर्प है निगल रहा है हम, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कहते भजन कौन कर सकता है, नीति शास्त्र में श्लोक है वही भजन कर सकता है जो समझ रहा है, काल अभी छोटी पकड़ कर रखा हुआ, किसी समय हमें घिसड़ करके ले जाएगा जैसे कोरोना में ले गए, इसलिए समय को
एक सेकंड भी समय को बर्बाद मत करो। बर्बाद नहीं करते हुए क्या करो, सारे समय को हरि भजन में, प्रभु का भक्ति में लगाओ। कोई व्यक्ति भजन कर सकता है, तो पकड़ सोच छोटी काल पकड़ करके रखा है, किसी समय हम पकड़ कर ले जाएगी, हैं किसी समय ले जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहते वही व्यक्ति भजन कर सकता है। अगर जो सोचा अरे ये पड़ा हुआ समय है, आज कर सो कल करो, कल कर से परसो, जल्दी जल्दी क्या करते हो, पढ़ा रहा है बरसो बरसो पढ़ा रहा, अभी क्या भजन करो, अभी तो संसार सुख भोग कर लो, दुनिया की बात कर लो, अभी कितना हैं, अभी बहुत दिन पड़ा हुआ है, भजन कर लेंगे। भागवत कहता है नहीं, कृष्ण कहते नहीं, त्रुणम अभी से शुरू कर दो हैं। इसलिए पल में प्रलय होगी, कितने लोग करुणा में चले गए हैं, लेकिन हम सोचते थोड़ी सब चले गए, हम थोड़ी सही चले जाएंगे, हम तो ऐसे यही सही रहेंगे, ऐसे व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता हैं। इसलिए जितना जल्दी हो भगवान की भक्ति में लग जानी चाहिए। इसलिए कहते उसके अंदर में ये पांच भक्ति को श्रेष्ठ रूप में लिया है, जैसे मथुरावास है, नाम संकीर्तन है, भागवत श्रवण है, और श्री अर्चन अर्चन ठाकुर को श्रद्धापूर्वक अर्चन करना है, और साधु संग हैं। कहते जो पांच भक्ति अंग को रूप गोस्वामी बोले कृष्ण प्रेम उपज यार अल्प संग, अगर ये थोड़ी सी इसका संग कर लिया तो थोड़ी सी क्या होगा, इसको जरा कृष्ण प्रेम में प्राप्ति हो जाएगी, कृष्ण प्रेम तुम्हारी प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसको सारांश रूप में फिर तीन ले लिया, तीन क्या है और श्रवण कीर्तन और स्मरण, इसको फिर सारांश रूप में तीन लिया है। अगर इतना कोई नहीं होता श्रवण कर कथा, जिस श्रवण कर रहे हैं कीर्तन और स्मरण, इसको तीन, लेकिन उसको अंदर में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ये सारे को अंदर में जो श्रेष्ठ है ये हरि का नाम कीर्तन, ये सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कहते कृष्ण प्रेम उपज यार अल्प संगे, कहते ये थोड़ी सी अगर हरिनाम श्रद्धा प्रीति पूर्वक कर लेते हैं इसको कृष्ण प्रेम की, उसको प्राप्ति हो जाएगी कृष्ण प्रेम की। इसलिए कहते श्री चैतन्य चरितामृत में ये चतुर्थ परिच्छेद और 30 और 31 कहते ये प्यार में ये बात बताया है, हैं साधन प्राप्ति होता है। महात्मन यदि आप यह जिज्ञासा करें कि वैष्णव किसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना ये वैष्णव है ये भक्त है, लेकिन इसका अगर कोई प्रश्न करे वैष्णव किसको कहते हैं भक्त किसको कहते हैं, देखो इसे कल पढ़ कर गाने से हम कल प्रश्न करेंगे हैं। इसलिए कहते कहते कि इसको उसको उत्तर में तद इतना ही कहूँगा, वो व्यक्ति उतना ही बड़ा वैष्णव है जो जितना ये जो अपराध 10 तरह का जो नाम अपराध बताया, कहते 10 तरह का नाम अपराध को त्याग करके जो कृष्ण नाम जितना करता है वो उतना ही वैष्णव है, उतना ही वैष्णव का जो मापदंड है जिसको जितने हरिनाम में रुचि हुआ, और लेकिन हरिनाम में जो रुचि हुआ कैसे हरिनाम, ऐसे नहीं सारे अपराध भी कर रहे हैं माला भी कर रहे हैं, सारी दुनिया की निंदा चर्चा कर रहे हैं, वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, गुरु वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, उधर हरिनाम भी कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं। इसलिए पहला जो अपराध वैष्णव निंदा को सबसे बड़ा खतरा बताया गया, इसलिए कहते कहर ना करे निंदा है, कहर ना करे निंदा, जो व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करता है, कृष्ण कृष्ण बोले हर समय, जो हरिनाम करते हैं, अजय चैतन्य से ही तारीफ कहले महाप्रभु, अजय चैतन्य मतलब जो चैतन्य महाप्रभु जितना बड़ा कठिन है, लेकिन उनको भी आप जीत सकते हो जो कभी किसी की निंदा बुराई नहीं करता है। इसलिए चैतन्य भागवत में बताए साधारण व्यक्तियों को भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवर सम्मान दिव्य ज्ञानी कृष्ण अधिष्ठ, सबका जीव में हृदय में कौन बैठे हैं, कौन बैठे है? भगवान बैठे, परमात्मा रूप में भगवान बैठे। इसलिए जो साधारण जीव को निंदा करते एक तरह के भगवान निंदा, और कहते जितने अपराध एक साधारण जीव को निंदा करने से उससे 100 गुण ज़्यादा अपराध है, कहते वैष्णव निंदित, अगर किसी वैष्णव को अगर हम निंदा करते उससे कितना 100 गुण ज़्यादा अपराध लगता है, वैष्णव निंदिले। इसलिए कहते जो व्यक्ति किसका कभी निंदा चर्चा नहीं करके क्या करता है, हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमें मधुमक्खी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो? कहते एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मक्खी क्या करता है? जहाँ गंदी चीज़ें होगा ना वो जहाँ पर बैठ जाएगी, लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठता है? फूलों में हैं, वो हर फूल का शहद को लेकर के एक छत्ता बना देता है, मधुमक्खी के छत्ता, जिसे ठाकुर की सेवा होता है। लेकिन मक्खी क्या करता है? जाकर कहाँ पर बैठेगा? जहाँ पर कोई गंदी चीज़। इसलिए हमें मक्खी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हमें? क्या होनी चाहिए? मधुमक्खी होनी चाहिए हमें। इसलिए कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अनुभ्यश्च बृहत्भ्यश्च शास्त्रभ्य कुशल नरा सर्वदा सार मादाद्य पुष्प इव षड्पद। षड्पद मतलब इसका छह प्यार। मधुमक्खी जैसे हर पुष्प के ऊपर बैठी करके शहद को ग्रहण करता है, उसी तरह हमें हर जगह से अच्छे चीज़ को ग्रहण करो, बुरे चीज़ को नहीं। लेकिन बद्ध जीव का स्वभाव क्या है? एक व्यक्ति भजन करता है ना, भजन को नहीं देखेगा, उसका तो इतना कमी हो गया ना, वो कमी को नजर देगा। अरे इतना दिन भजन करके वो ऐसे कर रहा है, देखो अमुक व्यक्ति ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, उसका भजन चीज उसको नहीं दिखता है। इसलिए शास्त्र प्रभुपाद कहते हैं, देखो जो संग करो है ना, सबका संग मत करो, मना कर देते हैं। अगर तुम्हारी भजन जितना दूर ऊंचा है, जितना दूर है, अगर उसके नीचे व्यक्ति का अगर संग करोगे ना, क्या करेगा वो? तुमको नीचे टांग पकड़ कर नीचे खींच कर ले आएगा, सीधा नीचे ले आएगा तुमको, सबका दोष देखेगा, देखोगे क्या कर रहा है। अरे क्या होता है मंदिर में रहने पर? कुछ नहीं होता है, अपना काम धाम करो, सब कुछ करो, ये भक्ति भक्ति से कुछ नहीं है, हैं? क्यों? वो नीचा व्यक्ति का संग फिर क्या होगा? तुम्हारी टांग पकड़ कर वो सीधा नीचे ले जाएगी। लेकिन हमसे जो उच्च व्यक्ति का संग करोगे वो उत्साह हम प्रदान करेगा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते भक्ति करने के लिए कितना गुण जरूरत तुम्हारे अंदर में? कितना गुण चाहिए बोलो? छह गुण चाहिए, तब तुम भजन कर सकते हो। पहला नंबर उत्साह। निरुत्साही से व्यक्ति तो कुछ जीवन में कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, भक्ति भक्ति उनको द्वारा नहीं होगा। निरुत्साही से व्यक्ति है, हैं? वो केवल दूसरों को दोष दोष ही दोष देखेगा, वो कोई गुण उसको नजर में नहीं आएगा। क्यों? वो नीचे व्यक्ति है, वो दोष ही दोष उसके अंदर में आएगा, कभी ऊंचा नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, भैया सावधान, ऐसे व्यक्ति को संग करो जो कि तुम्हारी भजन से जो थोड़ी ऊंचा है। नीचे व्यक्ति को संग मत करो, नहीं तो तुम्हारी टांग पकड़ कर वो भी नीचे तुम्हें भी। हम देखा मंदिर में इस कुछ ब्रह्मचारी का जीवन नष्ट हो गया। अब देखना, जब किसका भक्ति करते करते मन पूरा खराब होता है ना, जो उससे थोड़े जो सीनियर वैष्णव उसके पास में नहीं जाएगा पूछने के लिए, हमें अभी क्या करनी चाहिए, मन ऐसे लग रहा है, हम भक्ति क्या करनी चाहिए को, क्योंकि सीनियर के पास में जाए तो वो समझाएगा ना, तो समझाएगा। देखो भक्ति जगत में देखो, हरिदास ठाकुर को देखो, मीरा को देखो, तुलसीदास, कितना विपत्ति आए, भजन छोड़े उन्हें नहीं, भजन को छोड़ दिए, भजन छोड़े ही नहीं, दुनिया को छोड़ दिया लेकिन भजन नहीं छोड़े। लेकिन अगर नीचे व्यक्ति को साथ में जाओगे तो क्या बोलेगा? अरे बेकार से कुछ नहीं होता है, घर में रहना सही है, ये सब भजन भजन से कुछ रखा हुआ नहीं, घर में जाओ भजन करो, अपना काम धंधा करो और अपना घर संसार चलाओ, ये सब बेकार चीज है। फिर क्या हुआ? उसका जो भाव थोड़ा ऊँचा था ना, सीधे सीधा नरक खींच कर लिया। ये मंदिर में मैं देखा है, ये सब चीज़ों का मैंने देखा है। और उसका मन खराब होगा ना, ऊँचा व्यक्ति के पास में एकदम नहीं जाएगा, नीचे व्यक्ति के पास में जाएगा, हैं? और जाने से खुद का भी मन खराब और खुद भी गड्ढे जाता है, दूसरों को भी टांग पकड़ कर गड्ढे में ले जाता है। अक्सर कर देखा मंदिर में यही चीज़ हुआ है, और गया अपना जीवन तो गया, दूसरा का जीवन भी बर्बाद कर दिया, दूसरा का जीवन भी बर्बाद। इस चीज़ को हम आश्रम में देखा रह करके। इसलिए प्रभुपाद कहते खबरदार, साधु सावधान। इसलिए तो कहते साधु, किसको सावधान कर रहे? साधु को सावधान कर रहे हैं, फिर कहीं कर अवधान, सावधान रहो, नहीं तो भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए हर समय क्या करो? उत्साहित रह करें भजन, उत्साह निश्चयात, निश्चिंत रूप में प्रभु मेरे को मिलेंगे। धैर्यात, धीरज धारण करो, हैं? धीरज धारण करो। मेरे गुरुदेव तो ये कहते थे, मेरे गुरुदेव का वाणी है, देखो एक जीवन भक्ति में बिताओ, क्योंकि इसको पहले तू करके किया आया है, करके किया आया, जिंदगी जितने जीवन मिला वही काम किया है, बस
पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी कर लिया, कि पत्नी आ गई, बच्चे दो चार हो गए, उसको बड़ा करके मर गया, इसके सिवाय क्या किया है? इसके सिवाय तो जीवन में कुछ किया ही नहीं। ये अनादि काल से तुम यही काम करते करते आ रहे हो। गुरु जी, इसको स्टॉप करो, जीवन बंद करो, क्योंकि प्रवृत्ति रेसा होता ना निवृत्त है तुम्हारा फला। जो प्रवृत्ति मार्ग, जो भोग मार्ग में कोई लाभ नहीं। अगर इसी जीवन में फिर घर गृहस्थी के संस्कार पड़ गया ना, फिर 84 लाख जीवन जाओ, फिर भटकते रहो, उसमें चक्कर काटते रहो। लेकिन गुरुदेव कहते ये जीवन स्टॉप करो, वो चीज़ को गुरुदेव कहते स्टॉप करो, बंद करो। क्योंकि अगर इसी जीवन में अगर गुरुदेव एक जीवन अगर मठ में किसी तरह से एक जीवन रह गया, संस्कार क्या बन गया तुम्हारी, इतने दृढ़ संस्कार बन गया तुम्हारी, जो करोगे वही तो धीरे धीरे संस्कार बनेगा ना। देखो जैसे मंदिर में देखो, इच्छा नहीं रहने पर भी हम 4 बजे उठ जाते हैं, आरती में करते हैं, घर में रहने पर आरती करोगे, करोगे बीवी बच्चों का आरती, बीवी बच्चों का आरती करोगे वहीं पर, हैं उनका ही आरती करोगे, यहाँ पर आरती में आए, उसके बाद में क्या हुआ, फिर जय ध्वनि दिया, फिर यहाँ पर कथा सुन रहे, 1 घंटा कथा सुनेंगे, उसके बाद में थोड़ा भर कर कीर्तन करेंगे, हैं फिर उसके बाद में थोड़ा हरिनाम करेंगे, उसके बाद में ठाकुर का सेवा, घर गृहस्थ में फिर संसार में कभी होगा, गुरुदेव होगा नहीं, हो सकता है वहाँ पर, हो ही नहीं सकता है वहाँ पर, तो सोते रहोगे, आराम से सोते रहोगे, और दुनिया की सवेरे उठते ही घर में हल्दी है कि नहीं, नमक है कि नहीं, मसाला है कि नहीं, चावल है कि नहीं, दाल है कि नहीं, हैं वो सारा दिमाग में तो यही घूमता है ना। इसलिए बताया गृह मेधि और गृह व्रत उनको बताया, जिसके दिमाग में इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है, इसके सिवाय कुछ नहीं। लेकिन मंदिर में देखो दिन भर किसकी चिंता करते हैं, ठाकुर को उनकी सेवा, ठाकुर की उनको सेवा की, हरि कथा कीर्तन ये। इसलिए गुरु जी कहते थे एक जीवन किसी तरह से, किसी तरह से। इसलिए प्रभुपाद बोले सत्य लांछना, सत्य गंजना, सत्य अपमान सुन करके भी हरिभजन मत छोड़ा कर, भगवान की भक्ति छोड़ो मत संसार में। लेकिन आश्चर्य की बात क्या जानते हो, संसार में देखना जो बड़े व्यक्ति होता है ना, सबको सेवा करता है, अपना बच्चे को, बीवी को, बहू को, सबका सेवा बड़ा व्यक्ति करता है। लेकिन गाली किसको सुनना पड़ता है, किसको सुनना पड़ता है, करता है सबका, लेकिन गाली किसको, सबको गाली सुनना पड़ता है उसको, करता है सबके लिए लेकिन गाली सुनना पड़ता है उसको ही, थोड़ी सी अगर किया होगी ना उसको ही बोलेंगे, हैं सब्जी नहीं, ये नहीं, बच्चों का फीस नहीं भरा, ये काम नहीं हुआ, यही नहीं हुआ, करेगा सब गाली, लेकिन गाली सबको गाली सुनेगा। लेकिन आश्चर्य बात है संसार का सबको गाली सुनेगा सब, लेकिन मंदिर में अगर गुरु वैष्णव थोड़ी कोई बात बोल देना, अरे हम ये बात तो बोले, हम इतना करते थे, हमको ऐसे बोले गुरु वैष्णव। लेकिन यहाँ पर माया का डंडा तो खाने के लिए रोज रेडी है, लेकिन गुरु वैष्णव का शासन को, अगर गुरु वैष्णव का शासन को सुन ले तो कल्याण है, इसमें आत्मा की कल्याण है। संसार का डंडा सुनकर कोई लाभ नहीं, बल्कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या उसमें फंसते रहेगा। लेकिन अगर गुरु वैष्णव का शासन सुनता है तो बस, हमारे जो भक्ति रंजन सागर गोस्वामी महाराज, हमारे गुरु जी के मठ में वो आचार्य, वो कहते थे गुरुदेव हमें बहुत शासन करते थे, कभी एक बार उन्होंने कोई काम किया गुरुदेव का डंडा मार तो डंडा ही टूट गया, डंडा ही टूट गया। वो कहते अभी कहते हैं गुरु जी का मेरे ऊपर कितना कृपा है, गुरुदेव अगर मेरे को शासन नहीं करते अभी तक मैं मंदिर में नहीं होता, गुरुदेव शासन करते थे, डंडा तोड़ दिया मेरे ऊपर में मार करके, एक बार डंडा मार तो टूट गया, तब भी अभी मैं आचार्य हूँ। वो कहते अभी मैं आचार्य, मंदिर का आचार्य, प्रेसिडेंट आचार्य सागर महाराज, क्यों, चूँकि हम गुरु वैष्णव का शासन को हमने स्वीकार किया। और संसार का डंडा पड़े तो कुछ बन सकते हो, वो नीचे ही जाओगे, संसार का जितना डंडा उतना नीचे गिरे हुए ऊपर नहीं। इसलिए क्या करो, जैसे तैसे व्यक्ति का संग नहीं करनी चाहिए, हर समय कोशिश करो हमारे जितने भक्ति है, भक्ति से जो उच्च व्यक्ति हो उनका संग करो, नीचे व्यक्ति का संग मना कर दिया करने के लिए, नहीं तो फिर दोनों ही गड्ढे में चले जाओगे, हैं। इसलिए क्या करो, उच्च व्यक्ति का संग करो। इसलिए कहते महात्मन, यदि आप ये जिज्ञासा करें कि वैष्णव किसे कहते हैं, वैष्णव किसको कहते हैं, बोलो बोलो, अभी सुन रहे थे ना, बोलो बोलो, हाँ। इसलिए जो जितने अपराध को छोड़ करके हरिनाम, जो जितने शुद्ध रूप में जो हरिनाम करते हैं,
हैं वो उतना ही श्रेष्ठ वैष्णव हैं। इसलिए जैसे नामाभास नाम अपराध हैं, इसलिए कहते इसे उसको छोड़ करके हरिनाम हमें शुद्ध रूप में हरिनाम करने चाहिए। वैष्णव है, वैष्णव तीन प्रकार के हैं, बोले एक कनिष्ठ, एक मध्यम और एक उत्तम। कहते जो बीच बीच में कृष्ण नाम लेते हैं, कभी कभी जो हरिनाम लेते हैं, कौन सा वैष्णव? कहते ये कनिष्ठ वैष्णव है। और जो निरंतर कृष्ण नाम लेते हैं, कौन सा वैष्णव है? मध्यम वैष्णव। इसलिए क्या करो, हर समय हरिनाम हर समय करते रहो, हाथ में सेवा करते रहो, मुँह में हर समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते उसको कहते हैं ये मध्यम वैष्णव है। लेकिन उत्तम वैष्णव किसको कहते हैं? बोले जिनको देखने पर मुख से हरिनाम अपने आप निकले उसको उत्तम वैष्णव कहते हैं। महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार और किसी लक्षण से वैष्णव निर्णय नहीं कराना चाहिए, ये महाप्रभु का जो आदेश है उपदेश है। इसलिए महाप्रभु जब हमारे कुल निवास वैष्णव रथ यात्रा में आते थे, रथ यात्रा में आते थे जगन्नाथ जी की, अभी वापस जाते थे घर में, महाप्रभु के साथ में रह करके रथ यात्रा मनाते थे, वापस जाते थे। जब जाते समय महाप्रभु के पास में प्रश्न करते थे, प्रभु हम वैष्णव कैसे पहचानेंगे, वैष्णव हम कैसे पहचानेंगे? तो महाप्रभु एक एक साल में उन्होंने एक एक उपदेश दिया। पहला साल में बताया जो बीच बीच में हरिनाम, दूसरे साल में बताया जो निरंतर, और तीसरे साल में बताया जिसको दर्शन मात्र से ही कृष्ण नाम आए। इसलिए महाप्रभु के शिक्षा के अनुरूप वैष्णव पहचानने का केवल एक ही है, एक ही मापदंड है हरिनाम, जो जितने शुद्ध रूप में हरिनाम करते हैं। इसलिए सन्यासी ठाकुर बाबा जी के शिक्षा मृत्य से निमग्न होकर के क्या करने लगे, गुरु जी ने बताए, क्या बताए? हरिनाम हर समय हरिनाम करनी चाहिए। जब गुरु जी ने बताया हर समय हरिनाम करनी चाहिए, बस इन्होंने अपना जीवन को उसको ही सार बना दिया। तब से उन्होंने क्या किया, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरिमाला लेकर के उन्होंने हरिनाम करना शुरू कर दिया। यह नाम गान करते हुए नृत्य करने लग गए हरिनाम करते करते। उसी दिन उनकी हरिनाम में रुचि उत्पन्न हो गई, गुरु के चरण कमल में साष्टांग प्रणाम करके इन्होंने कहा, प्रभु दीन बंधु इस दीन पर आप कृपा कीजिए, ये दीन को पर में आप कृपा करो। इसलिए उन्होंने गुरु जी के आशीर्वाद लेकर के बस हरिनाम करना शुरू कर दिया। इसलिए हमें भी क्या करनी चाहिए, दिन भर हमें क्या करनी चाहिए, हरि का नाम करनी चाहिए। सारी इधर उधर की असत पचाल छाड़ी, असत पचला पचाल मतलब दुनियादारी की बात छोड़ करके हैं क्या करो, हर समय हरि की नाम को हमें आश्रय करनी चाहिए। वंशा कल उत्तर वैष्णव।